कुछ बातें ध्यान रखना क्लास, टाइम पे पहुंचना, और ये सब क्लास जो इनका जिनका पेपर कल है, परसों है, या जून में कभी भी है, जून फर्स्ट वीक में, उन सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब सबका पेपर अलग अलग है तो रोज में इसकी वीडियो डाल नहीं सकता, ठीक है, और टाइम वेस्ट होगा। मैं आप लोगों के लिए आज बुला रहा हूँ, सब देखना बाद में। तो टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचो, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आपका आधार कार्ड, आपकी आईडी, जो भी मांगा है, आप क्लास पेन लेके जाना, कम से कम दो ट्रांसपेरेंट पेन। का मतलब ये नहीं कि ट्रांसपेरेंट पेन नहीं मिला मैं जिंदगी बर्बाद हो गया, भैया कोई भी सादा सी सिंपल पेन ले जाना, दो दो रुपए वाले, जो पांच पांच रुपए वाले पता नहीं कितने के आते हैं पेन, सिंपल सीधे पेन, ये नहीं कि बहुत भी हाई डिजाइन वाला पेन ले जा रहे हो, सिंपल सीधे दो पेन आप लेके चले जाना क्लास। इसके अलावा अपना जो कार्ड है या जो डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह जो भी बोला है, उसमें सब सब कुछ आधार कार्ड में लिखा हुआ है, उसको पढ़ के उसको लेके जाना, टाइम पे क्लास पहुंचना, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना, मेरी बात ध्यान समझना। आपने पता नहीं कितने मॉक्स किए होंगे अलग अलग टीचरों के, है कि नहीं, लेकिन एनटीए जो पेपर देता है, ठीक है, उसमें देखना कैसे लिखा रहता है, अटेम्प्टेड, नॉन अटेम्प्टेड, मार्क फॉर रिव्यू, उसे मार्क फॉर रिव्यू भी होता है किसी क्वेश्चन को बाद में, अगर आप चाहते हो देखना, बट मुझे सच बताऊं तो वो कोई लॉजिकल लगता नहीं है। जिस बच्चे से अभी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, वो आगे जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, ऐसा बड़ा रेयर ही होता है। तो मैं कभी पर्सनली इस चीज को यूज नहीं करता, मार्क फॉर रिव्यू, या तो आता है या नहीं आता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये शुरू में ना आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे, सिस्टम मिलेगा, तो आप उसको पढ़ लेना कि इंस्ट्रक्शन कि क्या क्या है, अच्छे से ठंडे दिमाग से, यानी कि इधर उधर ताका झाकी कर रहे हो, कौन आया है क्लास में, भैया अपना करते रहना बस, ये ठीक है। चेक सिस्टम वर्क्स प्रॉपरली और नॉट, आपका आपका जो कीबोर्ड है, माउस है, जो भी आपको देते हैं, सिस्टम है, पीसी है, पूरा प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है देखना, अगर नहीं चला तो उनको बोलना, वो आपको बफर सीट देंगे, आपको दूसरी सीट देंगे जहां पे सिस्टम है काम कर रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात है क्लास, अच्छा सिस्टम में कुछ और नहीं खोल सकते मैं, ये तो खैर पता ही होगा, पहले ही पेपर देके आए हो क्लास, सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर खुलेगा, टाइम पे खुलेगा, टाइम पे बंद हो जाएगा, वो लफड़ा नहीं है क्लास की, अरे सर रुक जाओ सर, बस मैं दो मिनट में दे रहा हूँ, दो मिनट में सर कॉपी फट जाएगी, ये सब कुछ नहीं होगा। अपना टाइम स्टार्ट हो जाएगा टाइमर पेपर का, और नेगेटिव टाइम दिखता चला जाएगा, टाइम कितना बचा हुआ है 60 मिनट देखना, उस पर लिखा होगा अकाउंट्स और इको में, बीएसटी में 45 मिनट, और फिर क्लास बाद में वो टाइमर बंद हो जाएगा, जैसे पेपर आपका अपना आप सबमिट हो जाएगा पेपर, आपको खुद कुछ नहीं करना, सबमिट करना है बस। आस्क रफ शीट, उनसे रफ शीट जरूर मांगना क्लास, A4 की 3-4 पेज या जितने पेज तुम्हें चाहिए, ज्यादा ज्यादा मांग लेना, वहां रखा रहता है सेंटर में, घुसोगे ना पड़ा रहता है, उठा के ले लेना, ठीक है, 7-8 सीट ले लेना। डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकंड इन एग्जामिनेशन हॉल, ताका झाकी करने में यहां हुआ, एक सिंगल क्लास टाइम वेस्ट मत करना, कोशिश करना क्लास की, जैसे तुम्हें मान लो तुम बैठ गए एग्जामिनेशन हॉल में, पेपर है अकाउंट इको बीएसटी का, तो तुम्हें ऑप्शन आएगा चूज करने के लिए कि भैया कौन सा तुम्हारा पहला पेपर है, अगर किसी का नहीं आया तो बात अलग है, बट जनरली ऐसी लास्ट ईयर भी हुआ था कि आपको आपको कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, तो पहले आपको अकाउंट अटेम्प्ट करना है, मान लो जैसे आप अकाउंट अटेम्प्ट करोगे तो 60 मिनट आपके अकाउंट्स के मिलेंगे, 60 मिनट बाद अकाउंट जरूर बंद हो जाएगा, अपने आप फिर बोलेगा कौन सा अटेम्प्ट करना है, फिर आप इको अटेम्प्ट करोगे, फिर आप बीएसटी, जैसे तुम्हारी मर्जी है। सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना जिसका आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट हो, क्योंकि पहले मोटिवेशन अप होना चाहिए, है कि नहीं, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना कि हाँ इस सब्जेक्ट में अच्छा हूं, तो पहले आप वही अटेम्प्ट करना। नो हरी वाइल रीडिंग एंड कैलकुलेटिंग, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना, कोई क्वेश्चन नहीं जानते तो घबराना मत क्लास, लंबी गहरी सांस लेना और क्लास उसके बाद मूव ऑन, आगे चलना, कि आगे क्वेश्चन आएंगे इनको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है, बाद में तो कमारे वाला काम करेंगे अपना बाद में, ठीक है। नो प्री मैच्योर इवेल्यूशन, क्वेश्चन आधा पढ़ के कंक्लूजन पे कभी मत पहुंचना, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना फिर क्लास कंक्लूजन पहुंचना, इसका आंसर क्या होगा, रीड ऑल द पॉइंट्स देन टिक, सारे ऑप्शंस को पढ़ना फिर टिक करना क्लास। स्टार्टिंग के 30 मिनट में अगर तुम 20 से 25 क्वेश्चन कर रहे हो क्लास, तो बहुत अच्छे ट्रैक पे हो, अगर 20 से 25 के बीच हो, एक दो कम एक दो ज्यादा तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, पहले तुम्हें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पेपर में, सबसे पहले क्वेश्चन 1 मुझे श्योरली आता है मैं आंसर करूंगा, फिर नेक्स्ट करूंगा क्वेश्चन 2 मुझे श्योरली आता है मैं आंसर करूंगा। अगर आप क्वेश्चंस के आगे चले गए तो पीछे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर हमने जो आंसर कर दिया हम उसको चेंज नहीं कर सकते, कभी भी चेंज कर सकते हो आप, आगे पीछे किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट पहुंचना हो डायरेक्ट पहुंच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 100% आते हैं, ठीक है, मान लो आपने 25 क्वेश्चन कर दिए 100% वाले, अब मुझे 15 और करने हैं, एलिमिनेटेड मेथड, कि जहां पे मुझे लग रहा है 80-90% की ये क्वेश्चन सही है, आग बंद करके लगा देना, सोचना मत, अगर किसी भी ऑप्शन में 50% से ऊपर की श्योरिटी है ना तो भी क्लास आप लगा देना, ठीक है। मान लो इसमें आपने कर दिए मान लो 12 क्वेश्चन, ठीक है, तो 20-30-37 क्वेश्चन, बाकी बचे 3 क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन में कोशिश करना कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारना, 4 ऑप्शन है, कितने एलिमिनेट हो सकते हैं, जितने एलिमिनेट हो जाए एलिमिनेट कर देना, हटा देना, बाकी पे तुक्का मार देना। मैं रेकमेंड करता हूं कि छोड़ के देखो, कुछ ने कुछ पढ़ा ही नहीं है फिर तो वो बर्बाद है, वो बोलेगा मैं तो फेल ही हूं, ऐसे तुक्का मारता हूं कुछ तो नंबर आ जाएगा, एक वो अलग बात है। लेकिन जनरली होता क्या है क्लास, कि अगर आप मान लो 5 क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से, 5 क्वेश्चन है, तुक्का मारते हो, एक भी सही चला गया और 4 गलत चला गया, हालांकि तुम्हारा नसीब इतना खराब नहीं होगा, मैंने पहले ही बोला है 4 गलत चला गया, -4, 1 सही चला गया, +5, अभी भी आंसर क्लास प्लस का 1 है, अभी भी तुम 1 नंबर ज्यादा हो, छोड़ के आओगे 0 मिलेगा, अटेम्प्ट करके आओगे +1, और 2 सही चले गए तो फिर मजे मजे +6,
तो इसी अगर पांचों सही चले गए फिर तो आपका नसीब बहुत अच्छा है कि नहीं। तो इस तरीके से क्लास आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। हमेशा एग्जामिनेशन जब सबमिट करोगे देखना क्लास के 40 के 40 क्वेश्चन आंसर्ड होने चाहिए कि हाँ ग्रीन सिग्नल आ जाना चाहिए 40 के 40 क्वेश्चन पे कि हाँ हमने सारा का सारा अच्छे से अटेम्प्ट किया है। मार्क फॉर रिव्यू मत छोड़ना, आंसर करके फिर भले ही मार्क फॉर रिव्यू कर देना, बट इस बात का इंश्योर रहना लास्ट में कि आपने सब कुछ आंसर आपका सबमिट हो गया है। ऐसा नहीं खाली रिव्यू कर डाला है सबमिट नहीं हुआ, तो क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पढ़ लोगे शुरू में तो वो चीजें समझ आ जाएंगी। कोई